लाली की शादी में लड़की शादी में लड्डू जी बना, उसके बारे में बताइए कि आप लाली प्ले कर रही हैं तो किस तरीके की हैं लाली, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। लाली एक बहुत स्ट्रांग लड़की है, वेरी स्ट्रांग माइंडेड। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, और उनकी बहुत एम्बिशियस लड़की है। ओके, सो किस तरीके के कैरेक्टर प्ले कर रही है, क्या क्या डिटेलिंग करी है आपने इसके लिए? जैसे कि मैंने देखा है काफ़ी ब्रेव है लड़की, और बात कर रही है, ये कर रही है कि मैं तेरा ये नहीं देख सकती, मुझे नहीं देख सकती, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो एक्चुअली मैं बहुत, मुझे फिजिकल वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो किसी को ऑर्डर करता है कि नहीं तुम्हें ये करना है, यही होना, वो पर्सनली वो सब ठीक नहीं है। तो जब वो सीन आया था तो एकदम वो कनेक्शन हो गया था, तो और क्योंकि वो सही है, एक हद भी होती है जहाँ तक आप बोल सकते हैं या किसी को टॉर्चर करने के लिए कर सकते हैं, एक हद भी होती है, वो उससे ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो इंसान आके आपको थप्पड़ मारेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे या चिल्लाएंगे, फिर वो सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, भाई आप ही नहीं तो ऐसे ही किया। तो ऐसा रिलेशन रियलिटी में एक कनेक्शन मिल जाता है, कुछ ना कुछ रियलिटी से मिल जाता है, क्योंकि हम रियलिटी से हम वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। सो हाँ ओके, काफ़ी अलग सा कॉन्सेप्ट है फिल्म का, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या फिल्म है। जैसे कि ट्रेलर देख के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है आपके ट्रेलर को, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है सबसे, और सबको पसंद आया है, क्योंकि हम बहुत नर्वस थे, क्योंकि जब तक ऑडियंस को पसंद नहीं आता है तो पसंद नहीं आता है, और हमें भी बहुत बुरा लगता है कि उनको हम हंसा नहीं पाए या ऐसे कुछ, मगर उनको बहुत अच्छा, बहुत पता नहीं मगर उनको अच्छा लगा है, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कि शमिता के बाद में आपने बहुत बड़ा ब्रेक लिया है काफी टाइम से, मतलब तो कहीं ना कहीं आप कुछ गायब हुए थे। ब्रेक नहीं लिया मैंने, क्या रीजन थे इस ब्रेक के? वो ब्रेक जो हुआ वो एक्चुअली मैं पिक्चर के लिए वेट कर रही थी, कुछ स्क्रिप्ट नहीं मिला जो मैं करना चाहती थी, और फिर लड्डू का डिले हो गया, दो साल के बाद रिलीज हो रहा है, तो टाइम लग गया, हाँ इसकी वजह से। ओके, और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? हाय अक्षरा, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी ऑल योर लव एंड सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट, उसके बिना मैं यहाँ पे एक्टर नहीं रह सकती, बिकॉज ऑफ यू आई एम दिस नोन, एंड विदाउट यू आई एम अ नोबडी, सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डू वॉच माई मूवीज, एंड आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट माई फैंस। थैंक यू।